पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी है और परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। जैसा कि हमने देखा कि गहलोत सरकार पे पूरी तरह से जनता को विश्वास, जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। जिस तरह से केंद्र सरकार की योजना जनता तक पहुंची है, डिलीवरी हुई है, दूसरी ओर डिलीवरी नहीं हुई है, बहुत सारी बड़ी बातें हुई हैं। मोदी जी का जो मैजिक था, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा तो वही काम आया है। लॉ एंड ऑर्डर भी जो बिल्कुल खत्म हो चुका है राजस्थान में, अब आपको दिखेगा तुष्टिकरण की राजनीति जो हुई है उससे दूर हटकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए योजना के माध्यम से, काम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी और हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे जितने भी प्रदेश के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी प्रदेश के नेतागण और फिर हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, क्योंकि मैं नई थी क्षेत्र में लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा, मुझे एक एक घर तक ले जाने का जो काम किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो मैं पूरा मेरी जीत का श्रेय उनको भी देना चाहूँगी। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी है और परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। और जैसा कि हमने देखा कि गहलोत सरकार पर पूरी तरह से जनता को विश्वास, जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजना जनता तक पहुंची है, डिलीवरी हुई है, दूसरी ओर डिलीवरी नहीं हुई है, बहुत सारी बड़ी बातें हुई हैं, तो बिल्कुल इन सब का मुझे लगता है कलेक्टिव ये जो कमाल था, मैजिक था, और मोदी जी का जो मैजिक था मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा तो वही काम आया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में हम लोग बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ये उसी का मुझे लगता है कि रिजल्ट है कि जिस तरह से हम लोग सब, पूरी जनता, पूरी देश की मोदी जी पर विश्वास करती है और मेहनत की, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत जो हमारा कार्यकर्ता नीचे से लेके ऊपर तक एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब ने एक साथ कलेक्टिवली काम किया है, उसका ही नतीजा है। नदिया जी, अब चूंकि जीत आपकी हो गई और प्रदेश में भाजपा की सरकार भी बन गई साफ तौर से दिख रही है स्पष्ट बहुमत के साथ, बड़ी बात है कि आप चूंकि जगह जगह जहां जहां आपको मौका मिला वहां वहां आपने झंडे गाड़े, जीत का परचम ले रहा है आप। इस बार जयपुर से आपके जीत का परचम है, बड़ी जीत है, क्या मान के चले अब अगला ताज, क्योंकि अब जब सरकार बनेगी तो क्या बड़ा ताज क्या रहेगा आपके? जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगी और मैं तो ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की पार्ट, हम लोग अब सरकार में आएंगे और पूरी तरह से एक अच्छी जो गवर्नेंस होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, हर व्यक्ति का जो जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया है, ये तुष्टिकरण की राजनीति जो हुई है उससे दूर हटकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए योजना के माध्यम से, काम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और वो सबको दिखाई देगा। लॉ एंड ऑर्डर भी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है राजस्थान में, अब आपको दिखेगा कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। जनता को उत्सुकता थी कि आज क्या होने वाला है, मत का पिटारा खुला, बहुमत आता हुआ नजर आया, आप जीती, अब चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी में। ये चर्चा देखिए बिल्कुल भी चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन तो पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, हमारा जो हमारी टॉप लीडरशिप है वो लेगी, तो उन पे छोड़ते हैं, वो जो भी डिसाइड करेंगे हम सब उसके साथ जाएंगे। लास्ट प्राथमिकता कह रही कि लास्ट प्रश्न सरकार में आप लोग, सरकार में तो मैंने जैसे बताया कि डेवलपमेंट रहेगी, युवाओं के बारे में हमको सोचना है, रोज़गार कैसे देना है, महिलाओं को सुरक्षा कैसे देनी है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, राजस्थान में इतना कुछ पोटेंशियल है, उस फुल पोटेंशियल को कैसे टैप करना है और क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट हब कैसे बनाना है, बहुत सारी चीज़ों का, टूरिज्म की इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो अब और भी एक्सप्लोर हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, अभी तक फुली उनका हम लोगों ने यूटिलाइजेशन नहीं किया है, तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत सब चीज़ें। वैसे भी देखिए केंद्र सरकार ने रोड्स बनाई है राजस्थान में, रेलवे स्टेशंस को क्या बना दिया है, रेलवे लाइंस हमारे भी महाराजसमंद में इतना कुछ काम हुआ है, वहां पर भी बहुत बड़ी बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं, वहां की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। देखिए आप, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम होगा, भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है तो बहुत अच्छे काम करती है, इस बार भी आप देखेंगे वही होगा।